हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, जिसका टाइम रहेगा दोपहर 2:29 से शाम को 6:32 तक। यानी कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो पूरे 4 घंटे 3 मिनट तक रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। तो इस ग्रहण का जो सूतक होगा वो दीपावली की रात से ही स्टार्ट हो जाएगा। और भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक रहेगा, इसलिए ये सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने को शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहण लगता है तो इसका जो प्रभाव होता है वो हमारे आसपास की हर चीजों पर पड़ता है, इसीलिए गर्भवती महिला को इस दौरान कुछ सावधानियां बरतने के लिए बोला जाता है। आपको सूर्य ग्रहण के टाइम बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और ना ही घबराना है, बस आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी है। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो सूतक काल होगा वो दीपावली की रात से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि तुलसी के पत्ते आप पहले से ही तोड़ के रख ले। याद रखे, आपको रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं और ना ही आप दीपावली के दिन तोड़ सकती हैं। आपको रात में जो भी खाने की चीजें हैं एंड जो भी आप पानी पियेंगी एंड आपका जो दूध वगैरह कोई भी चीज बच जाती है तो आप उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें। तुलसी के पत्ते डालने से क्या होता है कि जो आपका खाना वगैरह होता है, आपका जो पानी होता है वो बिल्कुल भी दूषित नहीं होता है। आप कोशिश करें कि जब ग्रहण का टाइम हो तो आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि इस समय जो ग्रहण की हानिकारक किरणें होती हैं वो आप पर और आपके बेबी पर इफेक्ट डाल सकती हैं। और दूसरी बात, आप कोशिश करें कि आप एक कमरे में ही रहें एंड आप खिड़की वगैरह दरवाजे सारे बंद कर लें, ताकि जो भी हानिकारक किरणें हैं वो आपके पास तक ना पहुंच सके। और अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी है और आपको अगर जाना ही पड़ रहा है तो आप अपने आप को पूरी तरह से ढककर ही निकले, ताकि जो किरणें हैं उनका सीधा इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े। और मैं आपको बता दूं, आपकी प्रेगनेंसी की अवस्था है तो इस दौरान अगर आपको ग्रहण के टाइम नींद आती है तो आप अपने प्रभु का ध्यान करके बिल्कुल सो सकती हैं, या फिर आपको प्यास लगती है एंड आपको भूख लगती है तो आप अपने प्रभु का ध्यान करके बिल्कुल खा सकती हैं। आप याद रखिए, ग्रहण के दौरान आप जो भी चीज खाएं या फिर पानी पिए उसमें तुलसी के पत्ते बिल्कुल पड़े होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आपको नहाने वाले पानी में भी पहले से ही तुलसी के पत्ते डाल देने हैं, और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो उसके दौरान आप उसी पानी से जरूर नहा लें। इससे क्या होता है कि जो भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो काफी हद तक आपकी बॉडी से दूर हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको कोशिश करनी है कि ग्रहण के दौरान आप मोबाइल से उचित दूरी बना के रखें। मोबाइल वैसे भी बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। और दूसरा काम कि आपको ग्रहण के दौरान चाकू, कैंची या फिर सुई, कोई भी नुकीली चीज नहीं चलानी है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। ग्रहण काल को साधना काल भी माना जाता है, तो आप क्या करें, जब ग्रहण के टाइम आप जब बैठें तो आप इस समय अपने इष्ट देव को बिल्कुल याद कर सकती हैं। बट याद रखें, आपको इस दौरान पूजा पाठ या फिर मंदिर की मूर्ति वगैरह बिल्कुल स्पर्श नहीं करनी है। आप ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र एंड गायत्री मंत्र और आप हनुमान चालीसा एंड सुंदरकांड का भी पाठ बिल्कुल अपने मन में कर सकती हैं, और आप प्रभु का ध्यान जरूर करें। इससे क्या होगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है ग्रहण के टाइम वो बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएगी और आपके बेबी से भी काफी ज्यादा दूर रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब ग्रहण का टाइम हो तो उस दौरान आपको कुछ तुलसी के पत्ते एक कटोरी में रख के अपने पास जरूर रखने हैं, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास ना रहे। ग्रहण के दौरान आपको बिल्कुल भी ऊपर नहीं देखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान ग्रहण को देखने पर आपकी आंखों की रोशनी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और आप ग्रहण के दौरान बिल्कुल आराम कर सकती हैं। आपको अपने आप को बिल्कुल भी खड़ा नहीं रखना है या फिर बिल्कुल सीधा बैठा के नहीं रखना है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें एंड आप इस दौरान किताबें वगैरह भी अच्छी अच्छी बिल्कुल पढ़ सकती हैं। और दोपहर का टाइम होगा तो आप कोशिश करें कि ग्रहण का टाइम शुरू होने से पहले ही खाना वगैरह खा पी लें एंड फ्री हो जाएं। और आप ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप भी लगा सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप कोशिश करें कि ग्रहण समाप्त होने के बाद नहाने धोने के बाद फल, अनाज
या फिर वस्त्र कुछ भी दान जरूर करें। इससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और आपको ऐसी अवस्था में ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य एंड पूजा पाठ जरूर करने चाहिए। इससे आपके बेबी पर बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये नियम बनाए हैं तो कुछ सोच के ही बनाए होंगे, तो इसलिए आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। मैंने भी अपनी दोनों प्रेगनेंसी में बिल्कुल किया था और इनको मानने में कोई भी समस्या नहीं होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।